बेतवा नदी में डूबकर दोनों भाइयों की हुई मौत। बेतवा नदी उफान पर थी, दोनों नदी पर नहाने गए हुए थे। दोनों भाई अपने ननिहाल आए हुए थे। ओवर विदिशा जिले की कुरबाई तहसील में दो युवक बेतवा नदी पर नहाने को गए, मगर वह लौट कर घर वापस नहीं आए। दोनों युवा में एक गुना जिले के राजगढ़ तहसील का रहने वाला था और दूसरा कुरबाई का रहने वाला था। दोनों की मौत एक साथ डूबने से हुई, जिसमें से एक युवा कुरबाई तहसील का रहने वाला था। दोनों युवा अपनी नानी के पास आए थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुशील रैकवार पिता विष्णु रैकवार उम्र 21 वर्ष जो राघवगढ़ तहसील जिला गुना का रहने वाला बताया गया है और अभिषेक रैकवार पिता कमलेश रैकवार उम्र 19 वर्ष तहसील कुरवाई जिला विदिशा का रहने वाला है। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा। बड़ी मशक्कत के बाद सुशील रैकवार की डेड बॉडी बरामद की एवं अभिषेक की डेड बॉडी को तलाश नहीं कर पाए और सुशील रैकवार की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पहुँचाया गया। जो बेतवा नदी में दो 19 वर्ष के लड़के थे, उनके क्या है? आज दो बालक बेतवा घाट में नहाने आए थे, जहाँ सुनील रेखवार और अभिषेक रेखवार वहाँ जो नहाने नहाते वक्त पानी में गुफा में आकर डूब गए हैं, जिसमें कि एक व्यक्ति की बॉडी मिल चुकी है सुनील रेखवार जिसमें उम्र 21 है और अभिषेक रेखवार की तलाश जैसे कर रही है के थे। सुनील रेखवार जो था राघवगढ़ का रहने वाला था, नानी के घर यहाँ पर दोनों नहाने गए थे, उसके बीच के हादसा